तो फ्रेंड्स, सुना आपने कितनी खस्ता और कितनी कुरकुरी बनी है। जी हाँ, ये पालक की कचौड़ी है। सही सुना आपने, मैंने इसे पालक की कचौड़ी बनाया है, वो भी घर पर। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये कचौड़ी के लिए हमें इसकी सब्जी बनानी है। ये है आलू, कच्चे आलू हैं। मैंने आलू लिया है जो बॉइल्ड नहीं है, हम इसे डायरेक्ट सब्जी छोकेंगे। ये देखिए, कुकर में बनाऊंगी ये सब्जी। मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लिया है, रिफाइन ऑयल लिया है, और मैंने उसे पचफोरन डाल दिया है। पचफोरन यदि आपको नहीं पता हो तो मेरी आप रेसिपी देख लीजिएगा चटनी की, उसमें मैं लिंक दे दूँगी। चटनी में मैंने पचफोरन बताया है क्या क्या डाला है। और ये मैंने तेज़पत्ता और सूखी मिर्च डाल दिया है, और ये आलू अब छोंक देंगे। देखिए, अब हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे। पचफोरन डालने से ना ये सब्जी का स्वाद बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा आता है। ये रोटी के संग भी बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये सिंपल सब्जी है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है। देखिए, हल्दी का मैंने डाल दिया। आप आलू की क्वांटिटी के हिसाब से हल्दी पाउडर डालिएगा, और इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरह। मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा देर भुनने के लिए छोड़ देंगे, और फिर हम इसे छोड़ने के बाद हम इसका आटा के लिए हम रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमें सूजी का आटा लगाना है इसमें। देखिए, मैंने अदरक डाल दिया है। हम जो कचौड़ी बनाएंगे ना वो सूजी की बनाएंगे, मैदे की नहीं बनाएंगे। ये मैंने टमाटर भी डाल दिया है। अब आलू की क्वांटिटी के हिसाब से टमाटर डालिएगा, मैंने 2 टमाटर दिया है। अब यदि बड़ा हो तो एक भी डाल दीजिए, और इसे अच्छी तरह भूनना है हमें। हमें फ्लेम को एकदम धीमी कर देनी है, और धीमी आँच में हमें भूनना है धीरे धीरे। और जब तक हम आलू भून रहे हैं, जब तक हम आटा के लिए पालक पीस लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ पत्ती पालक के लिए हैं, आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, और इसे धो करके अच्छी तरह पीस लीजिए। आप सूजी जितना कचौड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लीजिए पालक की। ये देखिए, मैंने अब मैं कटोरी सूजी ले रही हूँ। सूजी से कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनता है, बहुत अच्छा बनता है। मैंने नमक डाल दिया है, इसमें मैंने कलौंजी डाल दी थोड़ी सी। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल रहे, देखिए, मैं 3 से 4 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। और हमें इसे पानी से नहीं गूंदना है, हमें जो पालक का पेस्ट बनाया था हमें उसी पालक के पेस्ट से इसे गूंदना है। इसे गूंद करके हमें थोड़ी देर भिजा करके छोड़ देना है, ताकि ये अच्छी तरह रेस्ट हो जाए, ताकि ये सूजी गल जाए। देखिए, हमने अच्छी तरह मिला लिया इसमें सब इंग्रेडिएंट्स, जो नमक है और तेल, अच्छी तरह मिलाने के बाद देखिए हम इसे गूंद लेंगे। आप पालक को अच्छी तरह धो करके सिर्फ पीस ले, पानी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही पानी हो जाता है। देखिए, मैंने गूंद लिया है, ये थोड़ा नरम है, थोड़ा नरम ही रहेगा, ताकि सूजी जो पानी है, जो मॉइस्चर जो टान ले। उसके बाद हमें यदि कम लगेगा कि नहीं हमारा आटा गीला है, तो हम इसे सूजी या मैदा दे सकते हैं। अब देखिए, हम आलू की सब्जी की तरफ आते हैं। हम इसे अब मसाला डालेंगे, क्योंकि हमारा मसाला अब डालने पर हमारा आलू अब भून चुका है। हम इसमें मिर्ची डाल देंगे, मिर्ची पाउडर। आप देख लीजिएगा आपको कितना तीखा खाना है, उसी अकॉर्डिंग आप मिर्ची पाउडर डालिएगा। मैंने 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसे अब भूनेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसे अब इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डालेंगे। ऑलमोस्ट हम सब सब्जी में मसाला डाल चुके हैं, अभी हल्का भूनना है हमें, और पानी डाल के ढकना है। और तो हमें 3 से 4 सीटी हमें इसे लगाना है ढकने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तेल आपको कम लगता होगा, पर ये कुकर में बनाने से थोड़ा तेल कम लगता है, फिर ये अच्छा लगेगा। जब सीटी लग जाएगा तो इसमें तेल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप चाहे तो इसमें हरा मटर भी डाल सकते हैं। देखिए, हमारा ऑलमोस्ट सब्जी अब भून गया है। हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। आप इसमें पानी अंदाज से डाल दीजिए। देखिए, थोड़ा ग्रेवी चाहिए हमें कचौड़ी के संग। देखिए कितना पानी डाला मैंने, और हम सीटी लगा लेंगे इसमें, 2 से 3 सीटी हम लगा लेंगे। हम जब तक अपना आटा चेक कर लेते हैं। देखिए, आटा अभी भीज गया है, पर ये थोड़ा अभी नरम है और पानी नहीं डालेगा। तो हम इसमें, आपकी इच्छा हो तो आप इसमें मैदा डाल दीजिए, या आटा डाल दीजिए, या फिर आप इसमें सूजी डाल दीजिए। पर इसमें मैदा डालने से ही ठीक रहता है, क्योंकि इंस्टेंट हम कचौड़ी बना सकेंगे 5 मिनट हम छोड़ने के बाद। देखिए, हमारा आटा एकदम रेडी है, हम मिला लिए अच्छी तरह। मथ लेंगे आटा को, इसमें ज़रा सा तेल डाल देंगे। देखिए, तेल डाल के हम इसमें मथ लेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से हम इसे मथ लेंगे।
तेल डाल के देखिए मत लिए, हम 2 से 3 मिनट इसे अब हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए ढक करके। देखिए देखिए रेस्ट करने के बाद देखिए हमारा आटा कितना अच्छा हो गया है। हम इसे प्लेन सरफेस पे हम इसे अच्छी तरह मथ लेंगे ताकि हम पूड़ियों की अब तैयारी कर सके। हमारा रेडी है आटा पूड़ियों के लिए, कचौड़ी बनाने के लिए एकदम रेडी है। जरा सा हम हल्का सा तेल देके इस सरफेस पे हम इसे मथ लेंगे। हमारा आटा एकदम टाइट हो चुका है, ये सूजी का ही आटा है फ्रेंड्स, और जब इसकी कचौड़ी बनेगी तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही कुरकुरिया बनेगा। अब इसकी लोई तोड़ लेंगे, इसकी आप अंदाज से छोटी या बड़ी अपने अंदाज से कचौड़ी के अंदाज से आप लोई तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद बस अपने सुविधा के अनुसार आप इसमें आटा लगाइए या फिर घी लगाइए, तेल लगाइए, जो इच्छा आप लगा कर इसे बेल लीजिए। देखिए हम इसकी लोई तोड़ लिए हैं, अब इसे पेड़े बना करके देखिए छोटी साइज़ के मैंने पेड़े लिए हैं, अब मैं इसे बेल लूँगी। मैंने तेल चढ़ा दिया था और तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम पूड़ियों बेल लेंगे, बेल की पूड़ी रेडी कर लेंगे। हमें पूड़ी संग संग उतारना है, हमें सुखाना नहीं है, बेलना है और हमें संग संग पूड़ियों उतारते जाना है। देखिए हमारी पूड़ी अब रेडी हो गई है बेल करके, इतना सुंदर कलर आया है एकदम ग्रीन, ऐसे लग रहा है कि मटर की कचौड़ियाँ हैं। देखिए अब हम पूड़ी एकदम रेडी कर लेंगे और ये बहुत अच्छा फूलता है, देखिए कितना सुंदर हमारा पूड़ी अब फूल गया है, फूली फूली कचौड़ी बनी है हमारी। कोई गेस्ट आए ना तो आप इंस्टेंट इसे बना के दे सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। शाम के नाश्ता में भी आप बना सकते हैं, अब तो पालक का मौसम आ गया है, आप पालक की सब्जी नहीं बना के आप पालक की कचौड़ी बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। हमारी रेसिपी अब ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमें अब सब्जी अपना देखना है। हमारी कचौड़ी तो बन गई है, हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दिया था, हमारी सब्जी भी अब रेडी है। फ्रेंड्स मैंने पहले भी एक कचौड़ी की रेसिपी दी थी पूड़ी की, चना की दाल और सब्जी की, आप वो मैदे की कचौड़ी भी देख सकते हैं, अब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए मैंने कुकर खोल दिया है, हमारा सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस हमारा रेडी है, हम इसमें 2-4 सामान और डालेंगे, ये डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, आप थोड़ा ही डालिए पर बहुत अच्छा लगता है गरम मसाला डाला हुआ इसमें, और मैं इसमें 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी डालूंगी और चीनी डालूंगी। देखिए मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, छोटी चम्मच है, बहुत अच्छा लगता है, ये मीठा नहीं होता पर बहुत अच्छा लगता है, और मैंने ये 2 चम्मच घी डाला है देसी घी। बस हमारी सब्जी अब रेडी है, तो आप इसे इंजॉय कीजिए और फिर मैं आऊँगी नई रेसिपी लेकर के आपके सामने। तो फ्रेंड्स देखा आपने इसकी आवाज़ सुनी कितनी खस्ता और कितनी कुरमुरी बनी है, तो आप इसे इंजॉय कीजिए और मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।